नमस्कार दोस्तों, जीरो माइल किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खास रेसिपी। आज की हमारी रेसिपी है आलू पराठा और मूंगफली की चटनी। तो आइए देखते हैं बनाते हैं इसको कैसे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पराठा और मूंगफली की चटनी। तो सबसे पहले हम 6 से 7 आलू लिए हैं और इसको बॉईल कर लिए। आइए अब इसको छील लेते हैं। ये देखिए, हमने आलू का इस तरह से स्मैश कर लेंगे ताकि हमारी पराठा फूटे नहीं। तो सबसे पहले हम पैन में तेल डालेंगे, इसके बाद हम जीरा डालेंगे, हमारा जीरा चल, इसके बाद हम मिर्च डालेंगे। आपको जितना तीखा खाना है डाल सकते हैं, मैं बस एक मिर्च ही काटती हूँ। ये लहसुन कद्दूकस कर लिए थे, अब ये लहसुन डालेंगे। इसके बाद प्याज डालेंगे। अब हमें प्याज को अच्छे से भून लेंगे। अदरक डाल देंगे, अजवाइन 1/2 टीस्पून, गोल मिर्च, जीरा पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। सबको इस तरह से मिला लेंगे। देखिए सब कुछ मेरा भून गया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे जो अभी हम स्मैश करके रखा था। सबको इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे 2 या 3 मिनट से हम इसको अच्छे से भून लेंगे। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है धनिया पत्ता। अब हमारा आलू का मिक्सर रेडी हो गया। आइए अब आटा गूंथ लेते हैं। इसमें हम थोड़े थोड़े पानी करके डालेंगे, हमारा आटा गीला ना हो, क्योंकि हमें आलू पराठा बनाने के लिए ना ज्यादा कड़ा और ना ही ज्यादा गीला आटा की जरूरत है। ये देखिए हमारा आटा गूंथ के रेडी है। आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा आप ले सकते हैं, हमें छोटी ही छोटी पसंद है रोटियां। इस तरह से हमें गोल बना देना है। देखिए इस तरह से, और फिर हमें आलू का जो हमने अभी चोखा बनाया है उसको इसमें इस तरह से भर लेना है। और इसको इस तरह से दबाते हुए परफेक्टली बंद कर लेना है। अब आइए इसे बेल लेते हैं। देखिए कितना मस्त हमारी रोटियां बनके तैयार है। अब इसको
इसको हम पैन रखे हैं और छोटा सा एक गोला डाल के चेक करेंगे हमारा पैन गरम हुआ है कि नहीं। अब देखिए हमारा तवा गरम हो गया, मैं एक छोटा सा डाल के चेक कर रही हूँ। तो अब इसको हम इसमें इस तरह से डालेंगे सेकने के लिए। तो ये देखिए हमारा एक तरफ का सिक गया है, अब इसको हम दूसरे तरफ पलट देंगे और इस तरह से सब बारी बारी से सब इसी तरह से हम पराठा बना लेंगे। वापस फिर से हम इसमें ये चोखा डालेंगे और परफेक्टली इस तरह से हमें दबाते हुए बंद कर लेना है। देखिए इस तरह से आप बंद करेंगे तो हमारी पराठा जो है बिल्कुल नहीं फूटेगी। देखिए अब इसको मैं चेक एक बार और कर लेती हूँ, हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब इसमें हम घी या तेल लगाएंगे, मैं इसमें अभी घी लगाऊँ। ये देखिए हमारी पराठा फूल के भी रेडी हो गई है, कितना अच्छी फूली है ना। ये देखिए हमारी पराठा कैसे अच्छे से सेक गई है, बिल्कुल परफेक्टली। तो आइए अब बना लेते हैं मूंगफली की चटनी। तो मूंगफली की चटनी के लिए मैंने पहले ही मूंगफली को भून लिया था और इसमें 3 से 4 कलियां ली हूँ लहसुन की और अपने तीखा अनुसार मिर्च। तो आइए अब ग्राइंड कर लेते हैं और इसमें स्वादा अनुसार हम नमक डाल लेंगे और फिर हमें इसमें पानी डाल लेना है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारा चटनी बनके तैयार है। वाओ वाओ, ये देखिए हमारा आलू पराठा और मूंगफली की चटनी सब करने के लिए रेडी हो गया। तो गर्मा गर्म आप सब कीजिए और बताइए कमेंट में कैसा लगा आलू पराठे की रेसिपी।